जी का आदेश पाते ही जो बंदीगण हैं, भाट हैं, वो वृंदावड़ी की शुभ कीर्ति का गान करते हुए वहां पर पदार्पण किए। वहां पर जो विशाल बीच में एक प्रांगण है और उसके बीचों बीच धनुष रखा हुआ है, और ये धनुष कोई साधारण नहीं, इस धनुष का नाम था पिनाक, और एक किस मटेरियल से बना हुआ था, का महर्षि दधीच की अस्थि से, रीढ़ की अस्थि से धनुष बना हुआ था। धनुष को जो बीच में जोड़ होता है, जहां से लचीलापन होता है, बांध रखा जाता है, उस भूमि को, उस भाग को महर्षि दधीच की नासिका की हड्डी से जोड़ा गया था, इसलिए इसका नाम था पिनाक। और ये भगवान शंकर जी ने इसलिए त्याग दिया था क्योंकि एक बार देवासुर संग्राम में भगवान शंकर जी नारायण के विपरीत ही जब इस धनुष को प्रत्यंचा खींचने लगे तो ये धनुष स्तंभित हो गया, क्योंकि उसके अंदर महर्षि दधीच के प्राण विद्यमान थे। उन्होंने कहा कि हमने जीवन भर जन भगवान की साधना की, भगवान शंकर जी उनके खिलाफ मुरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, धनुष स्तंभित हो गया, भगवान शंकर जी भी उस धनुष को चढ़ा नहीं पाए। और उसके बाद में कैलाश में आकर शंकर जी को अत्यंत दुख हुआ, और उन्होंने उस दुख के साथ में कि यदि शस्त्र रहता है तो व्यक्ति क्रोध में आ ही जाता है, मैं भी क्रोध में भर करके अपने ही आराध्य भगवान नारायण के विपरीत इस प्रत्यंचा को खींचने जा रहा था, इसलिए क्रोध पाप कर मूल, ये शस्त्र क्रोध का कारण है और क्रोध पाप का मूल है, क्यों ना इस शस्त्र को ही मैं त्याग कर दूं। और भगवान शंकर जी ने उस धनुष को छोड़ दिया, महर्षि कश्यप ने राजा जनक को दिया कि इस धनुष के अंदर में महर्षि दधीच के प्राण अटके हुए हैं, क्योंकि भगवान ने उनको वचन दिया था कि मैं आपके इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि परहित लाग तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसा तेही, और परहित वश जिनके मन माही, और तनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान भी उन्हें मिलते हैं, इसलिए भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, महर्षि अभी खत्म नहीं हुए, इस धनुष के अंदर उनके प्राणों की धड़कन है, एक दिन भगवान खुद आएंगे इसको तोड़ने के लिए। तो वहां पर जो 10,000 राजाओं का उल्लेख है, 10,000 राजा केवल वो लोग थे जो क्रूर कुपूत मूढ़ मन माखे, वो लोग थे केवल, लेकिन उन राजाओं में न जाने कितने ऐसे राजा थे जो साधु प्रवृत्ति के, सात्विक और वैष्णव, सदाचारी, भगवतनिष्ठ थे, आस्तिक थे। उन्होंने बंदीगणों की घोषणा को श्रवण करने के बाद वहां से अलग चले गए हैं वो, और बहुत से ऐसे राजा वहां पर बैठे हुए थे हजारों की संख्या में, जो राजा जनक के अपने नाते रिश्तेदार या मित्र थे, जो राजा जनक को अपना मित्र मानते थे, वो सीता को अपनी बेटी मानते थे, ऐसे सात्विक राजाओं ने उस सिया स्वयंवर में भाग नहीं लिया है। देखेंगे इतना विशाल रंगमंच है कि उस रंगमंच में स्वर्ण की सीढ़ियां बनाई गई है लोगों को बैठने के लिए, और उन्हीं सीढ़ियों के पीछे बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, और जहां बैठे देखें सब नारी, और निगम नीत निज कुल अनुसारी, जहां पर स्त्रियां बैठ करके उन महलों के अंदर में जो झरोखे लगे हुए कांच के पूरे पर्दे हैं, और उनसे वो अपनी लाडली श्री किशोरी जी के सिया स्वयंवर को अपनी आंखों से देख करके जीवन में उत्साह का आनंद भरेंगी। जनकपुर में एक भी ऐसी नारी नहीं थी, एक भी ऐसी बेटी नहीं थी, एक भी ऐसी बुजुर्ग नहीं थी, जो छोटी जितनी बच्चियां थीं वो सीता जी को अपनी बड़ी दीदी कहती हैं, और जो समवयस्क हैं सीता जी को ही अपनी सखी मानती हैं, और जो बड़े हैं वो सीता जी को अपनी बेटी मानती हैं। सीता जी अद्भुत रूप धारण करती है, ऐसी जानकी जी का सिया स्वयंवर सबको देखने के लिए मिल सके, इसलिए सारी व्यवस्थाएं की गई। तो वहां पर उन्होंने घोषणा की कि बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, और पण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। महाराज राजा जनक की प्रतिज्ञा को हम विशाल भुजा उठा करके घोषणा करते हैं। राजा जनक के निमिवंश की पवित्रतमा धरती मिथिला नगरी में द्वीप द्वीप के आए हुए राजाओं महाराजाओं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदाब, जिस विशिष्ट उद्देश्य से यहां उपस्थित और एकत्र हुए हो
सावधानी से आप हमारी बात को सुने। ये जो धनुष बीच प्रांगण में रखा हुआ है, ये धनुष साधारण नहीं है। आज इस धनुष को उठा करके चाह के जो तोड़ देगा, उसका विवाह आज मैथिली के साथ में होगा। लेकिन इसके पास में आने के पहले जरा वार्निंग, हमारी सूचना को सावधानी से सुने। रावण बाण महाभट भारी, रावण बाण महाभट भारी, देखि सरासन गवहि सिधारी, देखि सरासन गवहि सिधारी, सोई पुरारी को दंडी कठोरा, सोई पुरारी को दंडी कठोरा, राज समाधि आज जोई तोरा, राज समाधि आज जोई तोरा, प्रभु अनुजय समेत बैठे ही, प्रभु अनुजय समेत बैठे ही, बिनहि विचार बरिए हटते, बिनहि विचार बरिए हटते ही, बिनहि विचार बरिए हटते, बिनहिं विचार बरिए हटते ही। ये धनुष साधारण नहीं है, ध्यान रखना। इस धनुष को उठाने की कोशिश पहले रावण और बाणासुर जैसे लोग भी कर चुके हैं, जो अपने आप को रावण और बाणासुर से भी अधिक शक्तिशाली समझता हो, मेरा निवेदन है केवल वे लोग ही इस धनुष के पास में आए, अन्यथा समय बर्बाद न करें। राजा दशरथ जी को भी बताया गया था, जही कौतुक शिव शैल उठावा, सौ तही सभा पराभव पावा, सकय उठाए सुरासुर मेरु, और सो ही हार गयो करे फेरु। गजब की बात है, ये बात आपके भेजे में उतर सकती, हमारे दिमाग में नहीं उतरती तो कैसे उतर जाएगी कि यार ये जो पहाड़ उठा सकता था सुमेरु पर्वत, यही कौतक से सैल उठा, वो धनुष नहीं उठा पाता। असल में देखो, किसी भी कार्य को करने का एक ट्रिक, एक तरीका होता है, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक संस्कार, एक सादगी होती है। उन्होंने जब ये कहा कि ये जो धनुष है, नृप भुजबल विदु शिवधन राहु, गरुए कठोर विदत सबकाहु, राजाओं ये जो शंकर जी का धनुष है ना, ये राहु है, और तुम्हारे भुजाओं में पनपने वाला जो बल है वो चंद्रमा के समान। राजा खुश हो गए, वाह वाह वाह, क्या हमारी प्रशंसा हो रही, चंद्रमा के समान हमारा बल है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, वो ये नहीं समझ पाए कि राहु क्या करता है, बोले चंद्रमा को ग्रस लेता है। इन्हें बड़ी सावधानी के साथ में घोषणा की, नृप कहा, नृप, और नृप वाणी होता है नृ मानी पृथ्वी, पृथ्वी वाणी भू, और भूप राजा को भूप कहा जाता है। भूप में दो अक्षर होते हैं, भू मानी पृथ्वी, पामानी पति, जो पृथ्वी का पति है। नृमानी होता है पृथ्वी, हम नृमानी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हम कहलाते हैं नृ की संतान होने के कारण नर, नृमानी धरती, और धरती की संतान होने के कारण हम लोग नर कहलाते, नर नारी कहलाते हैं। नृप भुजबल विदु शिवधन राहु, कहा राजा सावधान, आप भूप हो पृथ्वी पति हो, लेकिन जिसके लिए ये स्वयंवर हो रहा है वो पृथ्वी की बेटी है, तुम पृथ्वी के पति हो और वो पृथ्वी की बेटी है, तो जरा गौर से सोचना कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या बनता है, और उसके बाद इसके पास आना। जो भी सात्विक वृत्ति के लोग थे वो राजा जनक के उन दूतों की वाणी को बड़ी गंभीरता के साथ में समझ गए, और उन्होंने राम और सीता को प्रणाम किया और उस प्रतियोगिता से, कंपटीशन से अलग हट गए। कहा ये तो मेरे माँ बाप का विवाह है, मैं कैसे इसमें आ सकता हूं। सीता तो फिर बेटी हो गई ना, अगर वो पृथ्वी पति है और वो पृथ्वी की बेटी है तो। लेकिन फिर भी
जो संज्ञा विहीन थे, धर्म का रंच मात्र भी अंश जन्म नहीं था, वे लोग वहां पर बैठे रहे। उन्होंने कहा रावण बाण महाभट भारे, रावण भी वहां पर आया था। देखो रावण का चरित्र बहुत सुंदर है। अमेरिका में एक बार मैंने पूरे 9 दिन की कथा रावण के ही ऊपर, कहे से बहुर रावण अवतारा, इसी पर 9 दिन की कथा चली थी। नाम था राम कथा और चल रही थी क्या, रावण कथा। क्योंकि दुनिया में किसी भी दैत्य को, किसी भी राक्षस को अवतार नहीं कहा गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण को कहा है, कहे से बहुर रावण अवतारा। अवतार और जन्म में बहुत फर्क होता है। जन्म वो होता है कि जो ईश्वर की इच्छा से फेंक दिए गए हम लोग धरती में, जैसे किसान दाना फेंक देता है उल्टा सीधा गिरता है, खेत पड़े को सूद है उल्टो, खेत पड़े को उगे है उल्टो सीधो बीज। हम तो फेंके हुए लोग हैं, अपने कर्मानुसार यहां पैदा हुए हैं, लेकिन अवतार उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा से धरती पर उतरता है। अवतरति सा अवतारा, जो अपनी इच्छा से, रावण को अवतारी पुरुष कहा है। कहे से बहुर रावण अवतारा, और प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, इसलिए कहे से बहुर रावण को अवतार। देखो रावण भी, राम जी और रावण एक ही काम करने आए। आचार्य मम्मट ने एक संस्कृत का बहुत गहनतम ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है काव्य प्रकाश, और बड़ी आश्चर्य की बात है उसमें व्याकरण पढ़ाई गई है, और उस व्याकरण को पूरी राम कथा के माध्यम से ही पूरी व्याकरण पढ़ाई गई है। साहित्य में यह पुस्तक चलती है काव्य प्रकाश, और पूरी कथा को लिखने के बाद में आचार्य मम्मट ने नीचे एक लाइन में लिखा है कि पूरी राम कथा का सार क्या है, का रामवद वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम के आचरण को हम जीवन में उतारें और रावण के आचरण को अपने जीवन में ना प्रवेश करने दें। राम भी वही शिक्षा देने आए हैं, रावण भी वही शिक्षा देने आए हैं, पर शिक्षा देने का एंगल दूसरा दूसरा है। राम कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसे ही तुम करना, और रावण कहता है मैं जो कर रहा हूं उसे तुम मत करना। रामवद वर्तितव्यम, करना क्या चाहिए ये राम बताने आए हैं, और करना क्या नहीं चाहिए ये रावण बताने आया है। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। क्या करना है, कर्तव्य कर्म क्या है इसे भी जानो, और क्या नहीं करना है इसे भी जानो, ताकि तुम उसका त्याग कर सको। इसलिए श्री राम जी ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और आप आश्चर्य की बात देखोगे कि 2 राक्षसों को जलाया जाता है, बेचारे इस देश से भाग करके विदेश में गए, विदेश में भी लोग जलाते हैं, एक रावण और एक होलिका। टाइम आने वाला है होलिका का, रावण और होलिका 2। और आश्चर्य की बात क्या है, आश्चर्य की बात यह है कि जलाने के पहले उनकी पूजा की जाती है। पहले पंडित जी थाल लेकर के आते हैं और फिर उसके बाद में होलिका की पूजा होती है, उसके बाद में उसे जलाते हैं। पंडित जी थाल लेकर के आते हैं, रावण की पूजा होती है, उसके बाद में उसको जलाते हैं। ये क्या मतलब है, तुम जला भी रहे हो उसको पूज भी रहे हो? पूज इसलिए रहे हैं कि उस राक्षस को नमन करते हैं कि तुमने राम के उदात्त भक्त होने के बावजूद भी इतना सुंदर उद्धरण देकर के हमें समझाया। और जला इसलिए रहे हैं क्योंकि रावण ने कहा है ताकि मेरे इस चरित्र की जो दुर्गति हो रही है इससे लोग सोच लें कि तुम कितने भी बड़े सोने के महल बना लेना मेरे भाई, एक सिर तो क्या तुम 10-10 सिर लगा लेना अपने पास में, लेकिन इस धरती पर बचा कोई नहीं है, बचे ना काल बली थे। इसलिए जीवन को रावण की तरह मत बनने दो, राम का आचरण जीवन में उतारो। पूरी राम कथा का सार ये है, रामवद वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम का आचरण जीवन में उतारें, न कि रावण का चरित्र। तो रावण जिस समय जन्मा दुंदुभियां बजी थी, विश्वेश्वर ऋषि के उदात्त ऋषि थे, प्रसन्न हो गए, ऐसी संतान आज तक किसी ने पैदा नहीं की जिसके 10 सिर और 10 सिर उन्नत ललाट थे रावण की। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज ने जब उसे सोते हुए देखा, उसके मस्तक और भुजाओं और बाजू बंद और छाती को जब देखा,
तो हनुमान जी ने भी कहा है वाह क्या गजब का सौंदर्य है। कहते हैं यदि इसमें अभिमान ना होता तो रावण इंद्र से भी अनंत गुना श्रेष्ठ पुरुष था। एक अभिमान के कारण उस श्री राम के कोप की बलि चढ़ गया। इसलिए जीवन को राम की तरह सजा। जब जन्मा तो विश्वसरवा ऋषि ने सोचा मेरी संतान पैदा हुई है, दस सिर हैं। विलक्षणता ये थी कि दस सिर जब उसके थे ना तो दसों सिरों से अलग अलग पढ़ सकता था और अलग अलग बोल सकता था। और इसको अगर आप जानना हो तो आप रामचरितमानस में खोज लेना, एक दोहे में उसने दसों सिर से बोला है। अगर मालूम हो तो बता दो। हाँ, दसों सिर से और अलग अलग शब्द बोला है। बांधी वर्णनिधि नीर निधि जलद पयोध नदीश, तो पूरा पढ़ना दो। समुद्र के दस पर्यायवाची शब्द हैं, एक दोहे के अंदर में दसों सिरों से अलग अलग बोला है। राम की कीर्ति का गान किया है। धन्य वो राम जिन्होंने वर्णनिधि जल निधि क्षीर पयोध नदीश बांध दिया। तो उस रावण को विश्वसरवा ऋषि ने जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया तो यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद में रावण को मात्र 4 वर्ष के अंदर में चारों वेदों को कंठस्थ करा दिया। 10 वर्ष का होते होते रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। केवल मंत्र नहीं जानता था, टीकाएं किए उसने, विश्लेषण किए। आज तक ऐसा विद्वान ना भूतो न भविष्यति। घन पाठ जटा पाठ जितनी भी वेद की प्रक्रियाएं थी रावण सब करता था। और ऐसा वो रावण, उसको ज्योतिष का इतना पारंगत बना दिया विश्वसरवा ऋषि ने, कहा आत्मा वही जायते पुत्रा, ये मेरा पुत्र है, मेरी आत्मा है, पूरा विद्वान होना चाहिए। और उसके बाद में जब रावण ने सारी चीजें ले ली, उन्होंने रावण को हृदय से लगाया, कहा बेटा जिस ईश्वर ने तुम्हारा जैसा बेटा दिया, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, वो तीर्थ यात्रा चले गए। और इधर राक्षसों ने सोचा कि हम लोगों ने अपनी बेटी को, देखो पुराने जमाने में क्या करते थे, राक्षसों ने देखा कि हमारी सभ्यता संस्कृति ढलती जा रही है, इसको आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं, का एक तेज संपन्न कोई संतान हो जो आगे बढ़ा सके। राक्षसों में वो दम थी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि एक बेटी का विवाह किसी ऋषि के साथ में करा दो, उससे जो संतान पैदा होगी वो तेज संपन्न होगी। इसलिए उन राक्षसों ने गुटबाजी करके ग्रुप से और छल पूर्वक और महाराज केक्षी का विवाह, जो राक्षस की बेटी थी मैं तनुजा, मानी राक्षस की जो बेटी थी उसको लेकर के उन्होंने विवाह विश्वसरवा ऋषि के साथ में करा दिया। इसलिए कि इसकी संतान जो तेज संपन्न होगी उससे हम राक्षस वंश को आगे बढ़ाएंगे। विश्वसरवा ऋषि जब चले गए और सुमाली नाम का जो दैत्य उनका मामा था, जाकर के तत्काल रावण को वहां से उठा लाया। रावण अभी 10-11 साल का था, उसका आचरण बिगाड़ा गया, उसे शराब पिलाना सिखाई गई, जुआ खेलना सिखाया गया, मांस भक्षण सिखाया गया। और उसके बाद में जब विश्वसरवा ऋषि 2 वर्ष में अपनी यात्रा करके लौटे, आते से पूछा दशग्रीव कहाँ है, कहा मरोज वो तो आप गए, उसी समय माली मामा जी आए और उसको लेकर के चले गए। विश्वसरवा ऋषि ने विश्राम भी घर में नहीं किया, कृत तर्पण पौरोहित कर्म नहीं किए, सीधे वहां चले गए जहां पर रावण था। पूछा रावण कहाँ है, दशग्रीव कहाँ है। रावण नाम नहीं था उसका, नाम दशग्रीव था, दशकंड था रावण। तो उसका नाम तब पड़ा है जब उसने लोक लोकांतरों को रुला दिया, इसलिए फिर संस्कृत में लोगों ने कर दिया रावय तीर्थ इति रावण, जिसने सारे त्रैलोक को रुला दिया, इसलिए रुलाने के कारण उसका नाम रावण पड़ गया। विश्वसरवा ऋषि ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, कहा कि वो तो जुआ के घर में है। और जब वहां जाकर के देखा तो उसने देखा नृत्यांगनाओं के साथ में मदिरा की पात्र लेकर के नृत्य कर रहा था। विश्वसरवा ऋषि वहां पर गए और एक जोरदार उसको थप्पड़ मारा, कि खबरदार अब बाप की चौखट पर पांव मत रखना, आज के बाद अपनी ये सूरत मुझे मत दिखाना। रावण पिता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन पिता के डर से फिर वो घर नहीं आया। ये कथा आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देने के लिए है, मैं बता रहा हूं। आप अपने बच्चों को कितने भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा दो, कितने भी आप विदेश में रख करके पढ़ा लो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ये ध्यान बनाए रखना कि उनकी सोसाइटी कैसी है, उनकी संगति कैसी है, नहीं तो तुम्हारा पढ़े लिखे पर पूरे पर पानी फिर जाएगा।
जिस समय विश्वेश्वरा ऋषि का अंतिम समय आ गया, उस समय पर रावण हिम्मत करके अपने पिता से मिलने आया है और रोता हुआ पिता के चरणों में बैठ गया। अब पिता कुछ भी करे, आखिर प्रेम तो था ही बच्चे से, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि बेटा तुम्हें एक विशेषता है, एक दिन देखना, मैं ज्योतिष से बता सकता हूं कि एक दिन साक्षात ईश्वर जगदीश्वर नारायण तुम्हारा उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतार लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, यह विशेषता है। रावण ने कहा कि मैं पहले उनका दर्शन कहां कर सकूंगा, क्या सीधे युद्ध मैदान में या पहले कहीं और दर्शन होगा। कहा राजा जनक की जब प्रियसा बेटी सीता का स्वयंवर हो वहां चली जाना, और आप अगर ना पढ़ पाए हो तो एक उपन्यास आपको रेलवे स्टेशनों में मिल जाएगा, उस उपन्यास का नाम है वयम रक्षामा। उसमें देखना कितना सुंदर वर्णन है, रावण जब जनकपुर आया है तो उसने देखे कि विश्वामित्र जी के जो चरण धूल में बने हुए, उनके अगल बगल में जो राम और लक्ष्मण के चरण हैं, मस्तक रावण उस रज को उठा करके अपने मस्तक पर लगाता है कि ये मेरा उद्धार करता है। रज को उसने मस्तक पर लगाया है, और उसके बाद में देखो रामायण में सीता जी का जब हरण किया, तब भी सीता जी ने जब बहुत बहुत कुछ जब बोला तो रावण ने क्या किया, मनमहु चरण बंदी सुख माना, कि मैं पाठ ठीक कर रहा हूं राम जी की इस मूवी में, खुश हो गया। तो रावण वहां पर आया और उसको पिताजी ने बताया था कि मैं शेष तोषणी विद्या तुम्हें देता हूं और उस सभा में सभी के ऊपर तुम छोड़ देना, सारे के सारे लोग व्यामोहित हो जाएंगे, जिसके ऊपर मेरी इस माया का प्रभाव ना पड़े समझ लेना वही ईश्वर है। सारे लोग रंग भूमि में आकर के बैठ चुके हैं धनुष यज्ञ में, और रावण उसी समय पर देखता है और उसने मंत्र का प्रयोग किया, सारे लोग लक्ष्मण जी भी उसके आगोश में जब आ गए, लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे थे। रावण ने राम जी से कहा, मुस्कुराते हुए देख करके राम जी भी ने उसको देखा और उसने भी राम जी को देखा, रावण उठ के खड़ा हो गया, मन ही मन प्रणाम किया, कहा सरकार थोड़ी देर के लिए आप नीचे आ जाइए, आपसे ही दो बातें करने के लिए हम आए हैं, धनुष तोड़ने उठाने नहीं आए। राम जी उतर करके नीचे आए, कहा कहिए विप्रदेवता। कहा महाराज मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं, मेरे जैसा कोई ज्योतिषी दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज अपनी इस ज्योतिष विद्या को आपके प्रति समर्पित करके मैं अपनी सिद्धि कर लूं और मैं आज आपका भाग्य बताने आया हूं। राम जी मुस्कुराए, कहा आप मेरा भाग्य बताने आए हैं, लेकिन आपने कभी अपना भाग्य देखा है क्या? कहा मैंने अपना भी भाग्य देखा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं आपकी रेखाओं में क्या लिखा है मैं उसे बताता हूं। और रावण कहता है बाई दाई आंखें परे राम सुनो तुम, तीनों को बन वास लिखा दाई आंखें परे राम सुनो तुम, तीनों को वनवास लिखा दाई आंखें परे राम सुनो, तीनों को वनवास लिखा दाई आंखें परे राम सुनो तुम, तीनों को वनवास लिखा। विवाह के बाद आपको आनंद नहीं मिल पाएगा, विवाह के बाद जो ही आप राजमहलों में पहुंचोगे तीनों की भ्रकुटी पर लिखा हुआ है वनवास हो जाएगा, तुम्हारे तीनों की भ्रकुटी पर लिखा है तुम्हें वनवास होगा। राम जी ने कहा आपकी भ्रकुटी पर क्या लिखा है? रावण ने कहा मेरी भ्रकुटी पर वो भी बता देता हूं, मेरी बाई भ्रकुटी पर क्या लिखा है वो भी मैंने पढ़ा है। कब पढ़ा? जरति बिलोको जबहि कपाला, जरति बिलोको जबहि कपाला, जरति बिलोको जबहि कपाला,